हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्रेजी एंटरटेनमेंट। दोस्तों आप लोग पहले तो बोलिए कि इस पिक्चर में जो आदमी है उसे आप लोग पहचान पा रहे हैं कि नहीं, बोलिए बोलिए। हाँ या ना, मैं बताता हूँ। पहले तो शायद आप लोग पहचान नहीं पा रहे थे, लेकिन मेरे बोलने के बाद गौर से देखते ही आपको खुद ही पता चल गया। जी हाँ दोस्तों, ये ऋतिक रोशन है। बॉलीवुड के सुपरस्टार ऋतिक रोशन को रस्ते पे पापड़ बेचते हुए देखा गया है। सिर्फ कुछ दिन पहले ही सुपर 30 फिल्म के फर्स्ट लुक लॉन्च हुआ था। फिल्म में ऋतिक रोशन एक मैथोलॉजिस्ट का रोल कर रहा है। वहाँ पे एक्टर का इस चेहरा को देख के हर ऑडियंस शॉक हो गए हैं। 44 साल का इस एक्टर ने एक पुराना फटा हुआ गंदा एक शर्ट पहन के रास्ते पे पापड़ बेच रहा है और कंधे पे गमछा दिया हुआ है, गाल में दाढ़ी भी है। बॉलीवुड का एक सुपरस्टार है ऋतिक रोशन। दौलत पैसे का कुछ चीज़ का भी कभी नहीं है इनके पास, फिर भी बॉलीवुड का ये सुपरस्टार रास्ते में पापड़ बेच रहा है। स्ट्रेंज ना, लेकिन यही सही है। राजस्थान के एक बिजी रोड में ऐसा ही सीन देखने को मिला है। लेकिन ये कोई रियल लाइफ स्टोरी नहीं है। एक्टिंग के लिए एक्टर लोग बहुत बार बहुत सारे रूप धरा है। सुपर 30 फिल्म के शूटिंग के लिए ऋतिक भी ऐसा ही एक रूप धरा है। पब्लिक की मानो तो इस रोल में ऋतिक इतना ही घुस गए थे कि पूरा ओरिजिनल अपर सेलर में लग रहा था। उनका ड्रेस और उनका मेकअप पूरा रियल था। उनके आसपास से जो नॉर्मल इंसान चल रहे थे, मतलब ऑडियंस लोग, वो सब उनको पहचान ही नहीं पाए। पता चला है इस साल के 22 जनवरी को इस फिल्म का शूटिंग शुरू हुआ है मुंबई में, और ये फिल्म अगले साल मतलब 2019 को जनवरी के 26 तारीख को रिलीज होने का बात है। दोस्तों और कुछ नहीं, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो और ये न्यूज़ आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। वीडियो के बारे में कुछ कहना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए ताकि आपके दोस्त लोग भी ये वीडियो देख सके। चलिए चलता हूँ, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।